दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के एक विशाल सागर के बारे में बताने जा रहे हैं जो पूरी तरह से सूख चुका है। पर उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल रहस्यमय दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। कजाकिस्तान और उत्तरी उज़्बेकिस्तान के बीच अरल सागर, जो कि बुरी तरीके से सूख चुका है, दुनिया का ये चौथा सबसे बड़ा सागर है। अरल सागर को आइलैंड का सागर भी कहा जाता था, क्योंकि उस समय इस सागर में 1500 के करीब आइलैंड हुआ करते थे। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अरल सागर पिछले 50 सालों में करीबन 90% सूख चुका है। और इस सागर के सूखने से यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान फिशिंग इंडस्ट्री को हुआ है। यहाँ पर फिशिंग इंडस्ट्री पूरी तरह से समाप्त हो गई है, जिसकी वजह से बेरोजगारी और इकोनॉमिक क्राइसिस का दौर शुरू हो चुका है। इसके कारण यहाँ पर प्रदूषण बढ़ा है और अरल सागर के पास रह रहे लोगों को काफी सेहत से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसका असर मौसम पर भी बहुत बुरा पड़ा है। गर्मी हो या सर्दी, दोनों ही बढ़ रही है। हम आपको यह बता दें कि अरल सागर की सूखने की शुरुआत सोवियत संघ के दौरान हुई थी। 1960 में सोवियत संघ के एक प्रोजेक्ट के चलते नदियों के बहाव को मोड़ा गया था, जिसके बाद से ही अरल सागर के सूखने का सिलसिला आरंभ हुआ। हालांकि अरल सागर का भरण करने के लिए कजाकिस्तान का डैम प्रोजेक्ट भी 2005 में बन गया था, जिसके बाद सन 2008 में सागर में पानी उतारा गया। इन सब के बाद पानी का स्तर जरूर बढ़ा, पर इस सब के बाद भी सागर सूखे की मार को झेल ना पाया, जिसके बाद अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनेटी के शोधकर्ता यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी से मिले और उच्च स्तरीय सैटेलाइट की तस्वीरों की मदद से इस दुनिया का ऐसा मानचित्र तैयार किया जिसमें धरती की बर्बादी साफ साफ झलकती है। उनकी मानी जाए तो 1992 से 2015 के बीच पृथ्वी के जंगलों का 1/4 हिस्सा कृषि की जमीनों में बदल चुका है। हम इंसानों ने जंगलों की कटाई से लगभग 25% प्रकृति को तबाह कर दिया है। और एक समय था जब इसका एरिया 68,000 वर्ग किलोमीटर था। इसके बाद 2007 तक ये अपने पूरे आकार में से केवल 10% ही बाकी रह गए। पानी की कमी के कारण समुद्री जीवों का जीवन असंभव हो गया है। 1960 के बाद के दशकों में सूखे के कारण और पानी मोड़ने के लिए बनाई गई नहरों के कुप्रबंधन के चलते अरल सागर की तट रेखा में भी काफी कमी देखी गई है। जहाँ पर एक समय बड़ी बड़ी नौकाएं चलती थी, वहाँ रेगिस्तान नजर आने लगा था। और इस सब के बाद भी उज़्बेकिस्तान दुनिया के प्रमुख कपास एक्सपोर्टर्स में गिना जाता है, जो कि एक समय में सोवियत संघ की योजना हुआ करती थी। अरल सागर मध्य एशिया की एक ऐसी लेक है जिसके बड़े एरिया की वजह से इसे सागर कहा जाता है, लेकिन अब दिन ब दिन इसके एरिया में कमी होती जा रही है। स्थानीय भाषा में इसे द्वीपों की झील भी बोला जाता है, क्योंकि इस सागर में एक समय में 1500 टापू हुआ करते थे। 1960 में सोवियत संघ ने इसमें आने वाली दो नदियों अमोदरिया और सिरदरिया को मरुभूमि की सिंचाई के लिए डाइवर्ट करने का फैसला लिया, जिसके कारण अरल सागर घटा और 3 अलग अलग भागों में विभाजित हो गया। इसी के कारण आने वाले 40 सालों में 90% अरल सागर का पानी खत्म हो गया और 74% से ज्यादा सतह सिकुड़ गई और अब सिर्फ 10% ही रह गई है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही रहस्यमय वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं। और रहस्यमय दुनिया से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।